जो बोले सुन रहे जगत रविदास महाराज की जय। जैसे कि आप सब संगत को पता है कि श्री रविदास धर्म स्थान तुगलकाबाद कराया गया है। इस उपलक्ष्य में कल 21 अगस्त को संगत डॉक्टर अम्बेडकर भवन से रवाना होगी, जो कि बहुत बड़ी तादाद में संगत 25,000 के ज़्यादा संगत अभी दिल्ली में पहुंच चुकी है। तो संगत की ज़्यादा गिनती होने के कारण जो पहुंचने का स्थान है वो जंतर मंत्र की बजाय रामलीला मैदान पर हम सब ने पहुंचना है। और जो शोभा यात्रा है, जो अपने रोज मार्च है, वो डॉक्टर अम्बेडकर भवन से सुबह 9 बजे शुरू होगा और हम सभी संतों की गुवाही में पहुंचेंगे। धन्यवाद। गुरुदेव, सभी गुरु प्रेमियों को ये हमारा संदेश सुझाव है। ऐसा हुआ कि जो तुगलकाबाद के मंदिर के लिए जो वहाँ पर जो गिराया गया, उसके बाद में जो धरना प्रदर्शन का जो हमारे तरफ से आह्वान किया गया था, उसके लिए 21 अगस्त का जो तारीख थी तो उसका समय था डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर भवन से लेकर वो हम जंतर मंतर तक जा रहे थे। लेकिन वहाँ बहुत लोक संख्या कम जाने वाली है, क्योंकि वहाँ 2000 के बाद लोगों को अंदर प्रवेश नहीं था। इसलिए वहाँ हमने सभी संतों ने मिलकर ये निर्णय लिया है, क्योंकि अगर सब लोग लाखों लोग अगर आप लोग आ रहे हैं तो उतनी जगह भी होनी चाहिए और उतने जगह में सबको संदेश सुनने के लिए वो भी मिलना चाहिए। इसलिए उसके बारे में ये डिसीजन लिया गया जो हम अम्बेडकर भवन से ही शुरू करेंगे, जो पहला हमारा टारगेट है। लेकिन वहाँ से हम जंतर मंतर के तरफ जो जा रहे थे तो वहाँ से हम रामलीला मैदान जाएंगे। तो अभी तक हमें पार्किंग का भी डर था और अभी तक बहुत स्टेटों से ये खबर आ रही थी कि दिल्ली के अंदर गाड़ियाँ रोकी जाएगी, लेकिन दिल्ली प्रशासन ने यह हमें सहयोग किया है कि आप अपनी गाड़ी सीधा वहाँ अम्बेडकर भवन तक लेके आ सकते हैं, झांसी रोड तक, और उसके बाद वहाँ उतर कर आपकी गाड़ी जो है रामलीला मैदान की तरफ पार्किंग के लिए जा सकती है। तो इसमें संगत को ज़्यादा तकलीफ नहीं होगी, इसलिए ये सब डिसीजन लिया गया है सभी संतों और महापुरुषों के हिसाब से, सभी के कहने से लिया है। तो ये मेरी अपील है सब लोगों को, पूरे देश से जितने ही रविदासिया लोग भक्त आ रहे हैं और सब ने मिल के इस संदेश को सुनकर अपना सवेरे 9 बजे से रैली में भाग लेना और शांति से लेना है। कोई भी हमारे तरफ से कोई हरकत नहीं है करना है, कि जो हमारा शांति का संदेश इस सरकार को हम देंगे और जो आज हम संघर्ष करके जो गुरु घर बना चुका है वो गुरु घर और जमीन पूरे लोगों के सहयोग से सरकार से मांग ले लेंगे। जय गुरुदेव। धन्यवाद।